तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे गुजरात के साबरमती आश्रम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों को नजदीक से देख रहे हैं। हालांकि कई बार उन्होंने यहां का दौरा किया है, लेकिन आज गांधी जयंती के मौके पर और 150वीं जयंती के मौके पर इस आश्रम में उनका आगमन और चीजों को इतने करीब से देखना खास मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी है उनके समाधि पर जाकर, और इसके अलावा उनके सबसे प्रिय आश्रम साबरमती आश्रम इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे है, और यहां दुर्लभ वस्तुओं को, दुर्लभ चीजों को नजदीक से करीब से देखकर प्रधानमंत्री मोदी अपने मन में एक बार फिर से उन यादों को जिंदा कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे उन्हें शक्ति मिले, जिससे वो आगे के लिए राह अपनी आसान बना पाएं। आपने देखा होगा कई बार वो पूजा पाठ में भी मग्न रहते हैं। अभी नवरात्र है और इस दरमियान भी खास पूजा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने गुफा में भी ध्यान लगाए नरेंद्र मोदी को देखा होगा, और वो सार्वजनिक भाषणों में, अपने संबोधनों में कई बार ये कह चुके हैं कि गांधी के बताए रास्ते आज पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो वो उन रास्तों से, उन यादों से बहुत कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, वो शक्ति प्राप्त करते हैं, वो रास्ता प्राप्त करते हैं जिस राह पर चलकर मानवता की सेवा की जा सके, लोगों की सेवा की जा सके। और इसके लिए बार बार उन मंदिरों में जाना बेहद जरूरी है जहां से वो ऊर्जा, जहां से वो शक्ति उन्हें मिल पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं। साबरमती आश्रम पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ७९ में ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे बनाया गया और वर्तमान स्थान पर ये स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो ये वो इतिहास जो साक्षी है कि भारत और भारत को नेतृत्व देने वाले महात्मा गांधी, उनसे जुड़ी हुई यादें आखिर क्या कहती हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में आश्रम बनाया था बापू ने फिनिक्स के नाम पर, और यहां हिंदुस्तान में साबरमती आश्रम। आप देखिए साबरमती आश्रम से ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन यादों को फिर से संजोना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने जो राह दिखाए, महात्मा गांधी ने जो देश को अन्याय से लड़ने का हथियार दिया, जो विचार दिए, जो शक्ति दी, उस कालखंड को एक बार फिर से उस इतिहास में जाकर करीब से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है मानवता के कल्याण के लिए कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में भी चलाए थे, वो इस कार्यकाल में भी उनमें कई चीजें उन्होंने ऐड की हैं, जोड़ी हैं। इन सब की प्रेरणा, इन सब की शक्ति, ऊर्जा आखिर कहां से मिलती है प्रधानमंत्री को, वो विचार कहां से आते हैं। आप देखिए यहां युवाओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं युवाओं के करीब जाते हैं, बच्चों के करीब जाते हैं, क्योंकि वो देश का भविष्य है, और उनके विचार आखिर क्या आकार ले रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां भी साबरमती आश्रम में बच्चों के करीब जाकर और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, साथ ही इस आश्रम के कर्ता धर्ता भी उनके साथ हैं, और बेहद करीब से जाकर नरेंद्र मोदी उन चीजों को देख रहे हैं। एक बार फिर से साबरमती आश्रम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को जीने का तरीका बताने वाला आश्रम है।
और भारतीय जो सोच है, जो जीवन है, उसका उसका उत्साह, उसकी एनर्जी, उसकी गरिमा, उसका स्रोत, उसका मूल अपने बिल्कुल मौलिक रूप में यहां पर दिखता है। और इसीलिए यहां की चीजें भी उसी मौलिकता को दिखाती हैं। आप देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है, जब इन जैसे खेत के बीच में कहीं पर प्रतिमा स्थापित की गई हो, उस तरह का प्राकृतिक वातावरण। ये मक्के का खेत आप देख रहे हैं, पीछे मक्के के पौधे जैसे दिख रहे हैं, और इन सब के बीच में ये गांधी की प्रतिमा, जिस पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण यहां का, जो महात्मा गांधी चाहते थे। तो ये वो आश्रम जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबरमती आश्रम। इसी आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का संचालन किया, और मिल मालिक और कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने यहां अनशन आरंभ कर दिया था। और इसके प्रभाव से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनशन से ही समाप्त हो गई। तो ये बड़ा हथियार था महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। वो असहयोग आंदोलन छेड़ देते थे, अनशन पर बैठ जाते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत उन्हें इस तरीके से मिलती थी, और यही रास्ता उन्होंने बताया, और उस रास्ते को आज पूरी दुनिया मानती है और उस पर चलना चाहती है। और महात्मा गांधी को जो यहां सफलता मिली मिलों में हुई हड़ताल को तोड़वाने में, कर्मचारियों और कामगारों के साथ जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन में उनका साथ दिया, इसके बाद कई सारे रास्ते खुलते चले गए। इस आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात हुआ, और रॉलेक्ट एक्ट की सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया, और सभी यहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने उस सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया। एकजुट होकर उन्होंने रॉलेक्ट एक्ट का विरोध किया था। तो इन सब की गवाह, इन सब का गवाह ये आश्रम, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेहद करीब से मुआयना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक तीर्थ की तरह वो लेते हैं इस जगह को, क्योंकि यहां से मिलती है उन्हें विचारों की प्रेरणा। तो यह आश्रम है महात्मा गांधी के जीवन के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग, समानता के जो सिद्धांत थे उनके, उनका महान प्रयोग इसी आश्रम में उन्होंने किया था। और ये भारतीय जीवन के उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति का गवाह है जो महात्मा गांधी के दिलो दिमाग पर वो एक क्रांति लाने की, एक बदलाव लाने की कोशिश थी, उसका ये प्रतीक है ये आश्रम। आप देखिए यहाँ जब मुआयना किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो इसके बाद यहाँ विजिटर बुक पर वो हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ वो जो संदेश लिखेंगे उसमें जाहिर है वो संदेश कुछ पाने का होगा, कुछ लेने का होगा, कुछ मिलने का होगा, ऐसा जो दूसरे कहीं से मिल नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो उन जगहों का रुख करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं जहां से वो ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकें, वो ऊर्जा प्राप्त कर सकें, जिससे मानवता के कल्याण में वो लगा सकें, खुद को खपा सकें और अपने आप को उस रास्ते में ढाल सकें। और इसी कड़ी में ये साबरमती आश्रम, जहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 150वीं जयंती बापू की, और इस जयंती के मौके पर ढेर सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री ने, और इसकी वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे
कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया उन्होंने 150वीं जयंती का, कि गांधी के 150वीं जयंती से पहले हमें ये लक्ष्य हासिल करना है। कितने सारे टारगेट उन्होंने रखे थे, कई टारगेट्स पूरे हुए, और आज एक बार फिर से गांधी के आश्रम में नरेंद्र मोदी। अभी यूएन में भी उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया था, और अमेरिका में कई कार्यक्रमों में वो भाग लिए थे, और एक बार फिर से साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम जहां प्रधानमंत्री मोदी भेंट स्वीकार करते हुए, अब देखिए इसमें क्या है, वो पोस्टकार्ड की प्रतियां हैं गांधी जी की लिखी हुई। कई सारे वाकये, कितनी अद्भुत चीजें, दुर्लभ चीजें उन यादों से जुड़ी हुई यहां पर मौजूद हैं इस साबरमती आश्रम में, जो एक बदलावकारी, एक बड़े इतिहास के पन्नों को खंगालती हैं, या फिर उसकी तरफ सीधे सीधे आपको ले जाती हैं, उस दौर की याद दिलाती हैं। और यहां से प्रधानमंत्री मोदी, जाहिर है कि वो यादें उन्होंने संजोई होंगी, उस पल को एक बार फिर से अपने जीवन में उतारने की कोशिश का प्रण लिया होगा। तो वो चीजें जो महात्मा गांधी से सीधे जुड़ी हुई थी इस आश्रम में, वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे, चरखा, हथकरघा, अलग अलग वस्तुएं, और स्वावलंबन का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उसके तहत एक साथ हर मनुष्य को कई कार्यों में प्रवीण होना चाहिए, या फिर उसे अपना काम, ज्यादातर काम अपने स्वयं से करने चाहिए, ये फिलॉसफी थी गांधी की, और इसके तहत वो खुद बहुत सारे काम निपटाते थे खुद से, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। महात्मा गांधी के ऐसे कई संदेश, जिनमें से एक सूत्र भी अगर कोई पकड़ ले तो अपने जीवन को धन्य कर सकता है, ऐसे कई सारे संदेश जो उन्होंने दिए, खुद महात्मा गांधी ने उसे अपने जीवन में कैसे उतारा था, इसकी गवाही देता ये आश्रम, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुआयना किया है अब से कुछ देर पहले। और अब से कुछ देर पहले यहां गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, चीजों को करीब से देखने के बाद, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई, तो खादी ग्राम उद्योग से जुड़ी हुई चीजें यहां पर आपने देखी, चरखा देखा, वो अलग अलग किस्म के चरखे हैं यहां पर, हथकरघा भी देखा, तो कताई बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण भी यहां पर होता था इस आश्रम में, यानी जो चरखा लोग इस्तेमाल करने लगे थे गांधी की प्रेरणा के बाद, तो वैसे चरखे यहां बनाए जाते थे इस आश्रम में, यह भी खासियत थी इस आश्रम की। तो चरखे के भागों का निर्माण कार्य जो यहां होता था, उसे करीब से देखा प्रधानमंत्री ने। तो यह आश्रम भारतीय जनता और भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कई कार्यों का सेंटर रहा है। तो गांधी जी के निधन के बाद उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई, और उसी के तहत ये साबरमती आश्रम।